देखो व्लॉग स्टार्ट भी नहीं करने देते। बोलो बोलो, चलो तैयार हो रहे। ए देखो यार, आपको पता लग गया अब हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। फर्स्ट फादर सन राइड, फादर सन डुगो। ए देखो, ए इनको पहले जरूरत है। और ये साल जी भी है हमारे साथ। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर। जैकेट लुक्स गुड ऑन यू ब्रो। थैंक यू। हेलो, साहब जी की कुंडली देखी जा रही है। साहब जी बाद में दिखा रहे ना, अभी हम निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। I'm ready. Hello. हाँ ठीक है। हाँ हेलो हेलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। चलिए ना, चलो 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 भाई। तो भाई हम लोग निकल गए थे राइड के लिए, स्टार्ट हो चुकी है हमारी राइड। एंड हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहे हैं, पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, वहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने का है पूरा करके आपको ट्रैफिक जाम दिखा रहा था। बट हम वो ट्रैफिक जाम में से निकल आए हैं। एंड पापा जी एज अ लीड आगे, मिस्टर शिवम क्या कर रहे हैं सर? व्हाट आर यू डूइंग? टेक्सटिंग ड्राइविंग, नॉट ड्राइविंग येट। चलो तो भाई, अभी हमारे को बज गए 11 बज चुके हैं, तो बाकी मिक्स मिक्स रहा था। तो अभी मैं ऋषि भैया वो खड़े, एंड ये जो आगे हमारे लीडर साहब से वो आगे चल रहे हैं, पापा शिवम और जो एक और रहे थे, ये तीन बंदे पीछे रुके हैं। तो शिवम को जो है टैंकी में तेल लगवाना था, तो हम तीनों काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। अब हम आगे यहाँ पर आके हम एक जगह से मुड़ हैं, अभी सीधा 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 चल रहे थे, एक जगह से हम मुड़ हैं, तो वहाँ पर हम खड़े होते हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं जैसे कितने तक वो आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी ये जो स्पॉट है जहाँ से सारे राइडर सारे साथ में मिलके स्टार्ट कर रहे, इधर से राइड वहाँ पहुँच गए। एंड ये राइड जो है, ये राइड है शहीद भगत सिंह जी के बर्थडे के लिए। RDB राइड जो ये होती है, रंग दे बसंती राइड, हर साल ये होती है। इस साल बड़े लेवल पर यह आर्नी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। एंड एक सैंडविच मेरा, एक सैंडविच सर का। अच्छा, ऑल सेट टू गो। पापा जी का ड्रोन भी नीचे आ गया। एंड ये देखो भाई, सारे अपने पार्किंग लगा रहे हैं, अभी एंटर कर रहे हैं। इस तरफ भी लग रही है, इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है। ये हमारी प्यारी सुंदरी, एंड ये रही इन भाई साहब की सुंदरा। और पापा जी, दिस इज आवर टेबल। यहाँ पे पापा भी आएंगे अभी, पापा के आने पे आई थिंक मेरे को ये राजकुमार वाली कुर्सी से उठना पड़ेगा। एंड देन ऋषि भी आ रहे हैं, मैं जिनके साथ हमने राइड स्टार्ट करी थी आज की, जो टोल प्लाजा पे पहुँच गए वहाँ वो लोग आ रहे हैं, आई थिंक पापा उनको लेने गए। ऋषि हम जो है वो गए अपने हाथों ने गए, खाना उतनी देर में आ गया, दही मिल गया और साथ में ये परौंठे आए, तंदूरी परौंठे, आई बिलीव आलू वाले, यस आलू वाले परौंठे। एंड पापा जी लगे हैं माता जी का फोन पे, परौंठे अब खाते हैं, तंदूरी परौंठे। एंड उसके बाद हम निकलते हैं। एंड वंस अगेन वी आर ऑफ टू द डेस्टिनेशन, नकलोडगंज जा रहे हैं हम लोग। वी आर ऑफ वंस अगेन, निकलो निकलो चलो। ये इसकी वेट कर रहा हूँ, कितनी देर खड़ा है यहाँ पे, निकल निकल निकल।
यहाँ पर जा रही है एम्बुलेंस वाले भैया बार बार रोके जा रहे हैं और हम भी साथ साथ में रोके जा रहे हैं। पीछे पूरा रश लगा है, आ रहे हैं सभी होले 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 होले। हम बस जो है यूनिवर्सिटी जिनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है राइड, वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं कुछ देर में, लाइक 10-15 मिनट में मॉल में पहुँच जाएंगे। लिच्छे की कभी यहाँ से निकलवाते हैं भाई। यहाँ पर इनकी मेस है, वहाँ पर हम आए हैं एंड हमारा खाना तैयार है। मटर पनीर, दाल, आलू, दही बूंदी, सलाद, फुलका और साथ में चावल भी थे, मैंने चावल ले लिए, बट अभी फुलके खा रहे हैं। बहुत स्वाद है, बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है। तो भाई हम आ गए हैं वापस से होटल में, होटल नहीं सॉरी हॉस्टल में। हॉस्टल जो है हमारे को अलॉट किया गया था, हॉस्टल कह लो, गेस्ट रूम कह लो, स्पेशली हमारे लिए जो है राइडर्स के लिए, सबके लिए अलॉट हुआ था, तो हम वहां पर आ गए। ये है हमारा बेड, इधर है छोटू सा बाथरूम हमारा एंड वी आर ऑल सेट टू गो। सो यार अभी यहाँ पर सारा कुछ चल रहा है एंड थोड़ा देर में जो बाहर इवेंट है, यहाँ पर हमारा वेलकम इवेंट वो स्टार्ट होने वाला है, तो अभी वहां पर चलेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे हम अभी। यहाँ पर हो गया स्नैक्स टाइम एंड स्नैक्स टाइम के लिए यहाँ पर है पकौड़े, साथ में मैक्रोनी एंड नूडल, एंड मैंने ऑलरेडी जो है खा लिया है एंड पकौड़े भी बढ़िया थे, सब कुछ बढ़िया है। इधर चाय है साथ में एंड पानी भी, पानी की बोतल ले रही, फ्री की पानी की बोतल कौन छोड़ता है। बाहर की तरफ पे जो स्टेज लगी है, तो स्टेज पे वहाँ पर अभी नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, तो थोड़े थोड़े बजे दिखाते हैं एंड मिलते हैं सेकेंड डे के लिए। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਕੱਢ ਆਇਆ ਵਾ। यो 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 सेकंड डे है अब यहाँ पर हमारा, हम निकलने के दोबारा से, वी आर ऑल रेडी टू सेट टू गो एंड मिस्टर शिवम गुड मॉर्निंग डे टू लेट्स गो। Thank you.
लो भाई फाइनली हम पठानकोट पहुंच गए हैं। साहब जी पानी पी रहे हैं, पापा जी ने जलजीरा पिया, मैंने भी जलजीरा पिया और इधर ऋषि भी है और आशु भी है। हाँ जी कुलचे कितना देने मेरे, कुलचे कितना देने? कुलचे बहुत खाना भाई। कर रहे कुलचे तुझे खाए मेरे? मैं आई भाई कुलचे खाना है तेरा। पक्की कर ला, धूल मिट्टी खांदे हले तक। गाइस अभी चलते चलते बीच में धर्मशाला से 35 किलोमीटर पहले ब्रेक मारी है। एक फेंटा, दो फेंटा संतरा, तीजा संतरा, चौथा संतरा, इतने कोका कोला पतला संतरा। हम आप ड्रिंक्स ब्रेक करके धर्मशाला जाके उन्हें ब्रेक मार। हेलो भाई पहुंच गए हम धर्मशाला एंड धर्मशाला की जो परेड ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड है, वहां हम पहुंच गए एंड दिस इज एवरीवन जहां पर खड़े हैं, हाथ में वगैरह धोएंगे, वहां पे राइडर्स को बुलाया जा रहा है। चलो भाई चलते हैं। सर तुम तो अगे से तो बाद क्यों पहुंच रहे हो? वो तेरी वेट कर लगे कि आपको भी स्वागत है। मेरा अपना टिक्का लगा के चलना सी। ये देखो भाई लाइन लगी है यहाँ पे रोटी के लिए। हेलो भाई कैसे हो? कैसे हो? तू इधर दो रही होता अद्धे ज्यादा हो रही होनी उत्ते। तुसी खड़े हो क्या? हाँ तो तुसी तो है बुल्लू गुलाब जामुन आंदी रसगुल्ले रसगुल्ले थे खाना बढ़िया। क्या 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 कह दिया आपने? दाल चावल और क्या लेना? दाल चावल मटर पनीर। ओए चलो पापा का भी हो गया, मेरा भी हो गया, खा पी लिया हमने। और ये आप देखो भाई धर्मशाला का व्यू और यहाँ का स्टेडियम। ओए होए 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 इतना सुंदर स्टेडियम बनाया ना गाइस, आज तक मैंने एक बार ही देखा है। तब ना ऐसे मेरे मम्मा की फ्रेंड है, मतलब मेरी मासी लगा लो, तो उनकी शादी के लिए उनकी रिसेप्शन थी एंड यहाँ पर जो होटल है, जहाँ पर जो स्टेडियम है उसका जो होटल है वहां पर उन्होंने रखवाया था। और बिल्कुल स्टेडियम के सामने वाला जो रूम है ना वो हमारे को मिला था। तो स्टेडियम में कुछ गेम भी चल रही थी इनके, आई थिंक लोकल मैच टाइप चल रहा था कुछ बड़ा, तो वो भी चल रहा था मैच। और हमने वो मैच देखा, वहां से सीनरी इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी थी। ये देखो भाई ये देखो इधर ये व्यू, पीछे को मुड़ के देखा तो ओए होए 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 होए। अभी ये वाला जो बैरियर है, जो बैरियर नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो पोस्टर है क्या वो, उसको इस तरह पे करेंगे एंड यहाँ पर खड़े होकर फोटो खींचेंगे। क्या कर रहे हैं ये? इधर होगा जग्गा डाकू इन द हाउस। जग्गा डाकू इन द हाउस कोई ना मेरे तो सिद्धू ने बाइक ले जाओगे? मैंने पीछे उठा लो ना अपनी नहीं लेके जाने ले यार। किन्ने किन्ने बाइक लेके जा सकते दसो? कहते बाइक की चाबी मैंने दे दे। मैं क्या लो चलो भाई वंस अगेन वी आर रेडी टू गो, निकल रहे हैं अभी धर्मशाला से वापस। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, बीच बीच में ठीक है आ रही थी सही रोड, बट अभी जो रोड है वो अब हम रास्ता जो वो चेंज कर रहे हैं। एंड जो रास्ता है वहां पर भी कह रहे हैं रोड बढ़िया है, थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी सही है, खराब सही जो भी है जैसे भी है। 3 से 4 घंटे लगेंगे अब हम वापस यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे एंड यूनिवर्सिटी पहुंचते ही
जो है सो जाएंगे। चलो भाई फाइनली हम जो है वापस यूनिवर्सिटी पहुंच गए। भाई क्या बताऊं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा वो मेन रास्ता ना चूज करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे को एक छोटे 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 गांव में से निकलना पड़ा। रोड ठीक थी वहां पर, लेकिन वो बीच 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 छोटी 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 रोड, वहां से निकलना, वहां से आना। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीच रास्ते में एक जगह पे डायवर्जन थी, वहां डायवर्जन पे शिवम और एक दो और लोग थे वो आगे निकल गए। मैं वहां पर रुका, मेरे को लगा पापा और बाकी जो है वो पीछे आते सारे, मेरे को लगा वो लोग आ रहे, तो मैं उनके लिए रुका। दो तीन मिनट खड़ा हुआ, वहां पे कोई आया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, वो किसी और रास्ते चले गए होंगे। तो मैं जो है, मैंने कहा मैं अकेला आ गया हूँ, वहां से सीधा निकला। तो मेरे को लगा थोड़ा सा आगे ये लोग मिल जाएंगे। भाई वहां से जो मैं सीधा चलना स्टार्ट किया, जो मैं एक वहां पर आई चढ़ाई ऐसे बिल्कुल सीधा, पत्थर मिट्टी सारे थे नीचे, और वो उस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल। पहले गियर में करके जू करके ऊपर पे चढ़ाई, ठीक है वो चढ़ाई। वहां से फिर आगे आए, होने लगी रात, जैसे आप देख रहे हो अभी रात पूरी हो चुकी है, और बिल्कुल सुनसान रास्ते, बिल्कुल ही सुनसान रास्ते, इतने ज्यादा सुनसान की कोई भी नहीं था वहां पर। हाँ ठीक है, बीच बीच में ट्रक्स आ रहे थे, वो ट्रक्स को भी पता है कि इस रास्ते में कोई नहीं आ रहा, तो वो बीच बीच में से वहां से निकल रहे थे क्योंकि रोड बनी हुई थी, ठीक है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और छोटी छोटी एक एक दो दो साइड पे दुकानें थे, वो दुकानों से पूछ पूछ के भाई वहां से भू भू 25 से 30 किलोमीटर सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा ऐसे जू 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 करते करते आना पड़ा। और एकदम से सामने भी आता भाई फुल ऐसे हाई व्यू करके छोड़ी, आंखों में चुभती इतनी, और कुछ दिखे ना, रोड दिखे ही ना भाई, उन्हीं की जो लाइट है वही दिख रही थी। तो उनको ऐसे मैं भाई डिपर मार रहा हूँ कि भाई लाइट नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रहा, कर ही नहीं रहे भाई, सियाणी बहुत है। तो करते 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 ऐसे हुआ कि यहाँ पर हम पहुंचे इंदौरा, इंदौरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास में जगह, एंड वहां पे पहुंचे। वहां पर जाया, एक राइडर वहां पे खड़ा था, वो भी बेचारा मेरे जैसा अकेला सोलो ही ऐसे ही। तो हम दोनों मिलकर यहाँ यूनिवर्सिटी तक आ गए, यूनिवर्सिटी पहुंचे, एंड यूनिवर्सिटी पहुंच के अब हॉस्टल में आ चुके हैं, अपना जो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में आके अब हम कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे। लिच्ची क्या होता है, तो मिट्टी 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 हुआ पड़े थे भाई। तो ये भाई इन लोगों का स्नोफॉल, एंड यहाँ पर हम नारे को प्लेट नहीं मिली थी तो हमने ऐसे उठा लिया, प्लेट अभी अभी आई है। दो यार चटनी, चटनी नहीं रेड सॉस ही है। तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी है जिंदगी। सेम ट्रेन से हम जो निकलने लगे, फाइनली सभी जा रहे हैं बाइक्स के साथ में। रेंज भी है इधर, पापा ऋषि भी है, करण भी है, शिव मंदिर से आ रहे हैं, एंड ये रहे सारे बाकी जगह भी निकलने लगे। फोटो खींचने का पता नहीं क्या कर रहे हैं। एंड हमने अपने ब्रेकफास्ट जो कर लिया, ब्रेकफास्ट में बने थे छोले भटूरे, साथ में दही था, दही चीनी डाल के अलग से खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, बहुत स्वाद ब्रेकफास्ट था। अब हम वहाँ से निकलने लगे, एंड देखते हैं बीच में कहाँ कहाँ रुकने, कहाँ कहाँ जाना, कहीं तो वहाँ कर सके जाने को। चलो भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये KFC बर्गर किंग है यहाँ पर, ये सारा, एंड यहाँ पर अभी रुके हैं। वैसे कि खाना पीना इन्होंने, हमने तो सुबह ब्रेकफास्ट करके रिसीव नहीं किया था,
चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ पर रुकना चाहते थे, अब देखते हैं कहाँ पर रुकेंगे, देखते हैं। करो मेरा जो व्लॉग है वो तो ठीक है, पापा के चैनल पे व्लॉग आएंगे आप वो देखना। पापा ने फुल जो है अपना मोटो व्लॉगिंग करी हुई है, तो क्या ही दिखाऊंगा मैंने आपको, तो आप लोग पापा के चैनल को देखना, उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सो यार देखना जरूर एंड सब्सक्राइब करना। सो गाइस फाइनली जो है हमने खाना खा लिया, सी सी बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मैं अंदर रिकॉर्ड करना भूल गया था खाना खाते हुए। तो बात ये हुई थी कि हमने बर्गर किंग से खाना खाया, बर्गर किंग से बर्गर फ्राइज कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसने जो जो खाना पीना था वो कर लिया, एंड अब जो हम वापस निकलने गए घर की तरफ पे, देखते बीच में शायद हवेली रुकेंगे, जलंधर हवेली शायद ना रुके, डोंट नो व्हाट एवर हैपेंड। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हवेली पे, एंड पापा करवा रहे हैं रबड़ी फलूदा, मैं करवा रहा हूँ सॉफ्टी सॉफ्टी कोन, ये एक रबड़ी फलूदा और एक सॉफ्टी का। आपको अंकल बोलते तो कैसा लगता है? इतने यंग हो आप, आपको भैया बोलना चाहिए, अंकल बोलते हैं। कितने साल के हो आप? 18 भी नहीं है अंकल बोलते हैं। हाँ जी पापा कैसी लगी रबड़ी कुल्फी, रबड़ी फलूदा? मजेदार, यहाँ पे है बहुत स्वाद है। तुसी की पी रहे सर? लस्सी। तो भाई दिखाते हैं, चलो भाई फाइनली हम वापस, फाइनल स्ट्रेच टुवर्ड्स होम, घर की तरफ एक फाइनल खींच के आ गया, पता है चमाट अब हमारी बाइक की तरफ से हमारे को चढ़ गया एक्चुअली, तब हम घर पहुँचते हैं डायरेक्टली, हम घर पहुंच के ही मिलेंगे। ये इधर है, इधर भी कर देती है, इधर भी कर, ये तीनों चलने हूँ अपने अपने घर जिधरों आए थे, गुड नाइट, ठीक है जी भाई। ये तीनों सानू टोल प्लाजा मिले सी, टोल प्लाजा तो ही हूँ आप आके कट, हूँ आप चले अपने घर न, ये चले अपने घर न, शिवम मैं ते पापा, आपा तीनों कट्ठे जा। So guys, finally after all this trip, all this riding, all this everything, अब जब finally घर पहुंच गए हैं, hopefully आपको ये जो vlog अच्छा लगा हो, hopefully आपको ये जो दिन है अच्छा चला हो, ये जो तीन दिन की ट्रिप थी अच्छी लगी हो, मिलते हैं आपके next vlog में, तब तक guys goodbye. Bye bye, take care, love you. खत्म, bye bye, टाटा, गुड बाय, गया।